शिव का एक स्वरूप है महाकाल। हमारे यहाँ तो ये कहा भी जाता है कि भक्त काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। सही है बिल्कुल। देखिए क्योंकि शंकर भगवान महाकालेश्वर दुनिया में केवल एक ही मंदिर है, जैसे काशी विश्वनाथ गंगा के तट पर है, ओंकारेश्वर नर्मदा जी के तट पर है, केवल एक कालाधिपति महाकाल ऐसे हैं जो अपनी बहन छिपरिया के साथ में विराजमान। महाकालेश्वर भगवान का जो मंदिर है उसका विस्तार हुआ, विस्तार होते होते छिपरा थोड़ी दूर होती चली, पर पहले जो छिपरा जी थी वो महाकाल मंदिर के ठीक दीवार के पीछे से बहकर निकलती थी छिपरिया, जो शिव जी की प्रिय बहन। क्योंकि दूषण नाम के राक्षस का संहार करना था, तब भगवान देवद्रथ महादेव से कहा गया कि ये दूषण नाम का जो राक्षस है इसका संहार करना है, जो ब्राह्मण के बच्चों के रक्त को पीता उसका नियम। शिव जी ने कहा इसको मारना कठिन है, क्योंकि चक्कर ये है कि ये रूप ले सकता पर मैं नहीं ले सकता। भगवान नारायण रूप ले सकते हैं, शंकर भगवान रूप नहीं ले सकते। भगवान शंकर अपने रूप नहीं बदल सकते। नारायण राम बन सकते हैं, नारायण कृष्ण बन सकते हैं, नारायण दत्त बन सकते हैं, नारायण अपना स्वरूप धारण करके नरसिंह बन सकते हैं, वामन बन सकते हैं, वराह बन सकते हैं, और कुर्मा अवतार ले सकते हैं, नारायण ले सकते हैं, शिव नहीं लेंगे। क्योंकि शंकर देवत्य महादेव इनको रूप लेने की जरूरत नहीं। बहू अपना चेहरा बदल सकती, सास अपना चेहरा नहीं बदल सकती, ससुर अपना चेहरा नहीं बदल सकता, घर का वृद्ध अपना चेहरा नहीं बदल सकता, बच्चे कितने भी बदल कर जाए। तो शिव कहते हैं दूसरे नाम के राक्षस का संहार करना है, परंतु इसको वर है कि ये 84 रूप धारण कर सकता है, मैं 84 रूप धारण नहीं कर सकता। माँ स्वयं देवताओं ने कहा कि ये मरेगा कैसे, क्योंकि इसका एक ही कारण है, मेरी बहन छिपरिया। छिपरिया को जब बुलाया गया तो छिपरिया से कहा गया कि आप साथ दीजिए शिव जी का। तो छिपरिया ने पूछा बोलो महादेव भैया क्या बात है, कैसे मारना है दूषण को? दूषण को मार तो दूंगा, पर छिपरिया बात ऐसी है कि ये 84 रूप लेगा और मुझे भी 84 रूप लेना, पर मैं 84 रूप नहीं ले सकता, मेरे 84 टुकड़े तू कर सकता, मेरे टुकड़े कर देगा 84, तू मेरे 84 टुकड़े करेगी, मैं 84 रूप प्रकट करूंगा और उसी समय पर मैं इसको मार दूंगा। इसमें मेरा रूप परिवर्तन नहीं है, बस मेरे 84 टुकड़े हुए तो मतलब 84 रूप में आ सकता। छिपरिया ने कहा ठीक है। दिन निश्चित हुआ, दूषण नाम का राक्षस जैसे ही आया उज्जैनी के अंतर्गत और सुंदर महाकाल वन में जैसे ही आया और मारना चालू कर उसने ब्राह्मणों के बच्चों को, इतनी देर में शंकर भगवान सामने आकर खड़े हो गए। अब छिपरिया, छिपरिया को आने में देरी, छिपरिया नहीं आई, उसने देखा इतने ब्राह्मणों का रक्त बह गया, जो देखा तो क्रोध में आकर वापिस शिवालय में चली गई। शिवालय में जाकर शंकर के 84 टुकड़े कर दिए छिपरिया, शंकर के 84 टुकड़े करे भगवान शंकर ने उस दूषण नाम के असुर का 84 रूप में रूप धारण कर रखा था, उसका संहार किया। आज भी मेरे शंकर भगवान 84 रूप में उज्जैनी की भूमि पर विराजमान, जिसकी 84 महादेव के नाम से परिक्रमा होती है। तो ये तो मेरा देवदी जो महादेव है, दुष्टों का संहार करने वाला काल, पापियों को कहीं ना कहीं किसी रूप में मार्ग दिखाने वाला मेरा महाकाल, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जनमानस का कल्याण करने वाला महाकाल। जो महाकाल को समझ जाता है वो महाकालेश्वर उसकी झोलियां भर जाता है।